वेलकम। आज का प्लान है जाएंगे चाय नाश्ता पे, और चाय नाश्ता के बाद अपन को चलना है टिमना लेक, और टिमना लेक पे जा करके कुछ सिनेमेटिक व्यूरोल शूट करना है और कुछ कहानियां सुनानी है आपको जो मेरे से रिलेटेड है और उस लेक से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग चलते हैं नाश्ता पे और उसके बाद हम लोग चलेंगे। फिलहाल मैं बिष्टुपुर में हूँ, अपनी गाड़ी के पेट्रोल चेक करते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं और आपसे मिलते हैं फिर। और एक चीज़ मैं आपको टिप दे दूँ कि अगर आप टिमना जा रहे हैं तो ये जो भी आपके जो ईयरफोन है, ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर वायर्ड वाले, इनको आप अपने जेब में डाल लें क्योंकि वहाँ पर चेकिंग बहुत कड़क चलती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका ईयरफोन, आपका सबसे प्यारा ईयरफोन पुलिस वाले को प्यारा हो जाए। तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ पहुँचने से पहले कि कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियाँ हैं जो इस लेक के बारे में आपको बतानी है, और कहीं हम लोग अच्छे से स्पॉट देखते हैं, मतलब कोई जगह देखते हैं और वहाँ पर बैठ करके आपसे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ कहानियाँ जो मैं आपको सुनाने वाला था। और कहानी है कि आज से 2 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी फोटोग्राफी, मतलब वैसे तो स्टार्टिंग और पहले से हो गई थी लेकिन 2 साल पहले मुझे लगा कि हाँ भैया फोटोग्राफी करना चाहिए। और अब तब से लेकर अभी तक काफ़ी फ़ोटोज़ खींची है मैंने, काफ़ी कुछ कैप्चर किया है, कुछ शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्लिप उसके बारे में, मेरी कहानी पार्ट 2, 15 अगस्त और पुलवामा पे काफ़ी शॉर्ट फिल्म बनाई है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इन सारी चीज़ों के बीच मैंने बहुत चीज़ सीखा है और अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। तो आप सोच रहे होंगे भैया कि कहाँ ये फोटोग्राफर था, कहाँ शॉर्ट फिल्म बन रहा था और कहाँ ये ब्लॉगिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे मैं बताता हूँ कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। 2019 मेरे लाइफ में सबसे अच्छा हो रहा था। मेरे पास उस टाइम एक ऑफिस हुआ करता था, एक डांस क्लास हुआ करता था, काफ़ी सारे बच्चे थे। और 2020 हमने क्लास अपग्रेड किया और 2020 में देश में पड़ गया भैया जी लॉकडाउन। तो आज से मेरे प्यारे भाई और बहनों, देश रहेगा बंद अगले कुछ महीनों के लिए। तो उसके बाद लाइफ ने ऐसा धक्का दिया मुझे कि शायद संभलने भी ना सका। और फिर 8-10 महीने बाद काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने फिर अपने आप को ट्रैक पे लाया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम और दिन ब दिन बढ़ते गई। तो अब है 2021 और अभी है दिसंबर, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के बाद लाइफ में जितने भी अप एंड डाउन्स हुए हैं, मैंने जितने भी चीज़ों से सीखा है, मैं चाहता हूं कि अभी आने वाले टाइम में जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा या फिर जितने भी मैं ब्लॉग करूंगा, मैं चाहता हूं कि पिछले जो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसे मैं डॉक्यूमेंट करूं, मतलब उसे मैं शेयर करूं, उसे मैं बताऊं। आई विश कि मैंने ये सारा चीज़ पहले स्टार्ट किया होता तो आई थिंक मेरे पास और भी ज़्यादा वीडियोज़ होते, क्योंकि उस टाइम मैं कैप्चर नहीं करता था, उस टाइम मैं मतलब बस शूट करता था क्लाइंट लोगों के लिए, लेकिन अभी मैं अपने लिए शूट करूँगा। और एक कहानी है इसमें से कि कैसे मैंने कैमरा चलाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे पास ना कोई कैमरा था और ना ही कोई ढंग का फ़ोन जिससे फोटोग्राफी कर सकता था। तो भैया कैमरा में इंटरेस्ट आया कैसे, क्योंकि कैमरा होता है तो जनरली आदमी फोटो क्लिक करता है और इंटरेस्ट आता है। फोटो खींचने से पहले आप फोटो खिंचाते हैं, फोटो को खिंचाने का मैं बड़ा शौक था। और उस टाइम चल रहा था 2017 और 2017 में सब लोग जो है नया नया DSLR आया था, तो लोग वो वाली फोटो देखना पसंद करते थे जो पीछे काफी ब्लर हो और आगे जो बंदा है वो काफी फोकस रहे। तो लोग नया नया स्टार्टिंग किए थे फोटो क्लिक करना और मुझे बड़ा पसंद था, मैं भी ऐसे फोटो क्लिक कर रहा हूँ। और जब मैं पहली बार गया, मेरे एक दोस्त था उसके पास था कैमरा और मैंने उसे रेंट पे लेके आया, तो उस टाइम रेंट पे आई थिंक 100 रुपए में रेंट पे कैमरा मिल जाता था हमारे यहाँ। तो जब मैंने पहली बार मैंने शूट पे गया था तो मैंने कैमरा को ऐसे हाथ में पकड़ा और फिर मैंने 2-3 फोटोज खींची। उसके बाद मुझे फील हुआ कि यार ये तो बड़ा मस्त काम है, मतलब आप किसी बंदे को देखते हो, कोई जगह को देखते हो और जस्ट आप कैमरा से क्लिक करते हो और वो फोटोज बाद में लोगों को पसंद आने लगती है। आपकी खींची हुई तस्वीर लोग अपने DP में लगाते हैं, अपने प्रोफाइल में शेयर करते हैं। तो बस वहीं से कैमरा में आ गया इंटरेस्ट, हमने लगाया जुगाड़। एक बंदा था हमारा दोस्त, आप लोग जानते होंगे,
हमारे पिछले ब्लॉग में है वो काफ़ी पवन, तो उसके साथ मैंने मिलके स्टार्टिंग करी फोटोग्राफी। एक हमने सेकेंड हैंड कैमरा लिया दिल्ली से और तब से स्टार्टिंग हो गई हमारी जर्नी फोटोग्राफी की। फिर धीरे धीरे मैंने और कैमरा परचेज़ किया, लेंसेज परचेज किए काफ़ी डिफरेंट। अब करीबन अभी तक 200-400 मॉडल की हमने फोटो क्लिक की होगी, मॉडल तो नहीं बोलूँगा 200-400 लोगों की फोटो क्लिक की होगी। बस जर्नी चल पड़ा है और अभी आई एम स्टार्टिंग ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का एक ही रीज़न है, कुछ मैं सीखना भी चाहता हूँ इस ब्लॉगिंग के दौरान, क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मुझे नहीं पता ब्लॉगिंग के बारे में बहुत कुछ, लेकिन आई एम लर्निंग। और आगे आगे आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और साथ में सीखते हम लोग। और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ, तो आप इन्जॉय कीजिए। कि ये जितने भी कहानियां हैं ये डिमना लेक माँ की क्यों सुना रहा है, तो बात ऐसी है कि डिमना लेक से जुड़ी काफ़ी यादें हैं। जब मैं 2019-20 की जिंदगी जी रहा था और जितने भी अप एंड डाउन हो रही थी, तो जब भी मुझे ब्रेक मिलता था मैं डिमना लेक आ जाता था। और इन हंसी वादियों के पीछे, ये जो पीछे आपको व्यू दिख रहा है और ये जो शांति है यहाँ पर, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, इस शांति के साथ मैं यहाँ पे बैठता था और अपने आप से सवाल करता था कि भैया लाइफ में गलत क्या हो रहा है, मेरी ही लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। यहाँ सॉल्यूशन मिलता था। आप भी एक बार जरूर आकर ट्राई करिए और व्यूज़ देखिए और बैठ के अपने आप से बात करिए। और हाँ, देखते रहिए हिमसागर ब्लॉग, तब तक के लिए बने रहिए।